हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ वर्कशीट नंबर 89, जो कि है क्लास 3 की मैथमेटिक्स वर्कशीट। और ये जिस दिन की वर्कशीट है वो डेट है आपकी 8 अक्टूबर 2021। और इस वर्कशीट का टॉपिक है एक्सटेंट पैटर्न्स इन सिंपल नंबर्स। पैटर्न का मीन्स होता है कोई भी डिज़ाइन, और उसे हमें नंबर्स में देनी है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि मेरे पास वन फ्लावर रोज़ का है, फिर वन फ्लावर मैंने लोटस का लगा दिया, फिर मैंने वन फ्लावर रोज़ का लगा दिया, तो एक सीक्वेंस हो जाता है, एक पैटर्न हो जाता है, एक क्रम हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, उसमें भी क्रम होता है। आप जब टेबल्स रीड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसमें एक पैटर्न होता है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टेबल्स बनते हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ हमें दिया गया है, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। वर्कशीट सॉल्व करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट योर सेक्शन हेयर अलॉन्ग विद योर क्लास। आप अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखिए, ए बी वट एवर, देन राइट डाउन योर नेम एंड योर टीचर्स नेम, फिर अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्कशीट संख्याओं में पैटर्न। बच्चों, क्या आपको ललित याद है, जो पगडंडी की टाइलों पर छलांगे लगाकर खेलता है। आपने उस वर्कशीट में काम करते समय यह भी पता लगाया था कि ललित 3 संख्याओं की छलांगे लगाते हुए पगडंडी की कौन कौन सी टाइलों पर पहुंचता है। वह जिन टाइलों पर पहुंचता है उन टाइलों की संख्या नीचे लिखी गई है। हमने जब पहले वाली वर्कशीट की थी उसमें हमने देखा था कि ललित जो है वो जो हमारा फुटपाथ बना हुआ था उसकी टाइल्स पर उछल रहा था, और वो एक पैटर्न में उछल रहा था। तो वो किस पैटर्न में उछल रहा था, पहले वो 3 नंबर की टाइल पर था, फिर उसने जंप किया वो 6 नंबर की टाइल, फिर 9 नंबर की टाइल, फिर 12 नंबर की टाइल, और उसके बाद वो 15 नंबर की टाइल, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता गया। अगर आप यहाँ पर ये सीक्वेंस देखते हैं, ये पैटर्न देखते हैं, तो ये क्या है, वो पहले 3 नंबर पर था और 3 नंबर से उसको 6 नंबर पर पहुँचने के लिए कितने नंबर को जंप करना पड़ा, 3 के बाद हम देखते हैं 4 5 6, तब वो 6 पर पहुंचा, यानी कि वो 1 2 और 3 नंबर के 3 नंबर पर 3 के बाद तीसरे नंबर पर जंप किया, तब वो 6 पर पहुंचा। सेम 6 से 9 पर पहुंचने के बाद तीसरे नंबर पर जंप किया, यानी कि उसने बीच के 2 नंबर छोड़ दिए और आगे वाले उस 2 नंबर छोड़ने का जो तीसरा नंबर था उस पर पहुंच गया। हम ये भी कह सकते हैं कि उसने 3 प्लस 3 तो क्या हो गया, 6 में प्लस 3 किया तो 9 में प्लस 3 किया तो 12, और 12 में प्लस 3 किया तो 15 हो गया। अब वो 15 में प्लस करता है 3 तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं क्या है। ललित की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या वह इन संख्याओं को देखकर आगे आने वाली संख्याएं बता सकता है। ललित ने कागज पर छलांगे बनाए बिना झट से उत्तर दिया, 18। उसने 18 उत्तर दिया, तो क्या ये उत्तर सही है, बताइए। फर्स्ट है हमारा, क्या ललित का उत्तर सही है, यस ललित का उत्तर बिल्कुल सही है, हाँ या यस। क्यों, क्योंकि जब वो 15 से उस 15 में 3 जोड़ देगा, प्लस कर देगा, तो वो 18 आ जाएगा। ठीक है, अगला है, क्या आपको लगता है ललित ने कैसे पता लगाया। बिल्कुल, ललित ने 15 में 3 प्लस किए, यानी कि ये वाला पैटर्न उसने फॉलो किया। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ललित ने 15 में 3 नंबर पर नंबर और जोड़े तो वो 18 नंबर पर पहुँच गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्या आप आगे वाली संख्याएं बता सकते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं आगे वाली संख्याएं। बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए, 3 3 में 3 प्लस किया 6 6 में 3 प्लस किया 9 9 में 3 किया 12 12 में 3 किया 15। अब 15 में 3 प्लस करेंगे तो अभी हमें बताया गया था 18 18 में 3 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा। वैसे आप 3 का टेबल भी रीड कर सकते हैं ईजिली, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24, यानी कि अगला होगा 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। आप टेबल भी पढ़ सकते थे और आप आगे ऐसे 18 में 3 प्लस करके भी देख सकते थे, तो हमारा 21 आता, और 21 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा 24 आएगा। ठीक है, ये पूरा आपका सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा। अब एक ऑडियो मैसेज में आपको अपनी टीचर को बताना है कि आपने ये किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम करते हैं, इसमें अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं हर नंबर के ग्रिड में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है।
नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर दिए गए हैं। क्या आप हर पंक्ति की संख्याओं और अक्षरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे? आपको आगे बढ़ाना है, हम देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे। हम यहाँ हमारे पास फर्स्ट पैटर्न है 5, 10, 15, 20। ये सिंपल है, ये 5 का टेबल है। आपको अगर 5 का टेबल आता है तो आप इसे ईजिली आगे बढ़ा सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 20, 5 6 30 और 5 7 35। अगर आपको 5 का टेबल नहीं आता, 5 5 10, 5 3 15, 5 6 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अगर आपको 5 का टेबल 5 का टेबल नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हैं? 5 में 5 प्लस किया तो 10, 10 में 5 प्लस किया 15, 15 में 5 प्लस किया 20 और 20 में 5 प्लस करेंगे तो सेम हमारे पास 25। और उसी तरीके से आप आगे इस पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये वन वे था। अब हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 और 16। ये भी हमारा 4 का पहाड़ा है, यानी कि 4 का टेबल है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 के बाद 4 7 28। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है, अगर आपको ये इस तरीके से नहीं आया तो आप सेम यही पैटर्न कर सकते हैं। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 4 28। ठीक है, अब हम अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न है हमारा 2, 5, 8, 11। अब आपको इसमें क्या करना है, हम इस पैटर्न को निकालने के लिए कर सकते हैं, हम पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को अगर माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैंने 5 में से 2 माइनस किया तो 3 का डिफरेंस आया। अब जब हम 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11, 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17, 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20। ठीक है, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न हो जाएगा 20 वाला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हमारा नंबर है 10, 20, 30, 40। ये सिंपल 10 का टेबल है, 10 का पहाड़ा है। आपको आता है तो आप कर सकते हैं, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60 और 10 7 70। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60 और 10 7 70। अब जो अगला नंबर है हमारा वो क्या है उसको भी चेक करते हैं। अगले नंबर में हमने 100 प्लस किया है, हर नंबर में 100 प्लस करते गए हैं। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास था ये 105, इसमें मैंने 100 प्लस किए तो 205, फिर 300 500 प्लस करने के बाद फिर 405, तो हमारा क्या आएगा 505, 605 और 705। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा 1 3 5 7 1 3 5 7। 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13। तो ये तो हमारा हो गया नंबर पैटर्न। उसके बाद क्या है, अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी। तो यहाँ आएगा ई एफ और जी। ठीक है, अब लास्ट है हमारा 20Z, 40Y, 60V और 80T। इसमें क्या किया गया, 20 20 सब में प्लस कर दिया गया। जैसे 20 प्लस 20 तो 40 हो गया हमारा, 40 में 20 प्लस कर दिया तो हमारा 60 हो गया, 60 प्लस किया 80 हो गया। अब 80 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 80 में अगर हम 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100,
100 में 20 प्लस करेंगे तो 120, और 120 में प्लस करेंगे 20 तो 140। ये हमारा नंबर हो गया। अब हम सीक्वेंस देखते हैं। पहले लिया गया जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वी, और वी के बाद लिया गया इन्होंने टी, यानी कि 11 जो डिजिट है वो पीछे से छोड़ दी गई है। तो 100 के साथ क्या आना चाहिए? आर। 120 के साथ आना चाहिए पी, और 140 के साथ आना चाहिए एन। अब ये सीक्वेंस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे। जेड, जेड से पीछे अगर हम दो डिजिट जाते हैं, दो अल्फाबेट जाते हैं तो आता है एक्स, एक्स से दो जाते हैं तो जाता है आता है हमारा वी, और वी से अगर हम दो पीछे जाते हैं तो आता है टी, टी से दो पीछे जाएंगे तो आर, आर से दो पीछे जाएंगे तो पी, और पी से दो पीछे जाएंगे तो एन। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको 5 तक पहाड़े की संख्या लर्न करनी है, और कोशिश करिए आगे भी लर्न करें, बाकी नहीं तो आप प्लस करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट के सोल्यूशन आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगे हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को और वर्कशीट के सोल्यूशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर इसके साथ बहुत सारी पोएम स्टोरीज़ भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।